हतुबाहु मैं हतुबा वानर लोक का नया राजा हतुबा ताकतवर और खतरनाक हतुबा मैंने हरा दिया इस कमजोर राजा को युद्ध में मेरी ताकत के आगे घुटने टेक दिए इसने देखो कैसे सर झुकाए खड़ा है मेरी कैद में अब ये सारी जिंदगी यही रहेगा और मैं राज करूंगा वानर लोक पर आज से सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा राजा हतुबा 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 अपनी जीत के जोश में तू वानर लोक का नियम भी भूल गया क्या कह रहे हो दद्दू कौन सा नियम कहाँ का नियम वानर लोक का नियम वो नियम जो सदियों से चला आ रहा है तू कैसे भूल गया जब तक पुराने राजा के पूरे वंश को तू कैद करके हरा नहीं देता तू यहाँ का राजा नहीं बन सकता नहीं बन सकता इस राजा का वंशज कौन सा वंशज वो गोलू वो बच्चा जिसे अभी तक बोलना भी नहीं आता क्या मजाक कर रहे हो दद्दू वो बच्चा आजाद रहे या कैद में उससे हतुबा को कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है हतुबा बहुत फर्क पड़ता है तेरी ताकत वानर लोग के नियम नहीं बदल सकती तुझे यहाँ के नियम पता नहीं कान खोल के सुन ले अगर कल सूरज ढलने तक गोलू आजाद रहा तो यहाँ का अगला राजा तू नहीं वो होगा तुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो बड़ा होके तुझसे लड़ने के लायक ना हो जाए नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कल सूरज ढलने से पहले गोलू मेरी कैद में होगा वो भी अपने बाप की तरह इस कैद खाने की धूल चाटेगा ये जोइला से मेरा वादा है वादा ये वादा है हतुबा का वादा हतुबा ये गलत हो रहा है इस दुष्ट हतुबा ने पहले मेरे पति को कैद किया और अब ये मेरे मासूम बच्चे के भी पीछे पड़ गया है यहाँ इसकी जान को खतरा है बेटा गोलू अब हम यहाँ नहीं रह सकते हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा पापा बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुझे अपने बाबा से बिछड़ने में कितनी तकलीफ हो रही है पर अभी हमें अपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ से जाना होगा चल बेटा चल एक
गरम गरम भजिया, चंपल की गरम 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 भजिया पुदीने की चटनी। वाह वाह स्मिता, ताजी पिसी हुई पुदीने की चटनी के साथ गरम गरम भजिया खाने का मजा ही कुछ और है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, पुदीने की चटनी बना रही हो बहू। अरे बापू जी ये क्या कर रहे हैं? बोलो चश्मा नहीं पहना है आपने? नहीं बापू जी, आपको पता है ना आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। पहन लेता हूँ, चश्मे पहन लेता हूँ। स्मिता क्या छाट रही हो, चटनी पिसो ना जल्दी। भाई भजिए ठंडे हो रहे हैं। अरे बाबूजी चश्मा पहनिए, चश्मा रुके क्यों, चश्मा पहनिए। अरे मैं अटक गया हूँ। क्या बाबूजी फिर अटक गए? रोकी। अरे मोटा भाई सॉरी, मैंने आपको दागबूझ के नहीं मारा, वो क्या ना बाबूजी ऐसे अटक गए ना तो मैंने दुख में अपना हाथ ऊपर उठाया और वापस मारा। अरे मारा मारी बंद करो और मुझे छुड़ाओ। हे भगवान। थैंक यू रॉकी बेटा, थैंक यू। बापू जी मैं महेश हूँ। थैंक यू रॉकी बेटा, थैंक यू। अरे मैं कस्तूरी हूँ। लेकिन मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा ढूंढो। बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे बाबू जी ढूंढ लेंगे, तुम चटनी पीसो। बाबू जी आप इधर ही रुकिए, हम लोग चश्मा ढूंढ रहे हुआ। ये आवाज कैसी है? अरे क्या हुआ, मेरा चश्मा मिला क्या? आपके चश्मे की चटनी बन गई है। क्या संभल के डुबडुआ एक, अगर आई इस अंडे को खरोच तो नहीं छोड़ेगी सोन पक्षी तुम्हें, मार मार के चोच कर देगी बुरा हाल। डुबडुआ एक ये अंडा हमें दे दो, हम ले जाएंगे। नहीं नहीं वो मैं अकेला काफी इस अंडे को लेके जाने के लिए। अरे मत कीजिए आप जरा सी भी चिंता इस डुबडुआ एक के होते हुए। शुक्रिया बालवीर। शुक्रिया बालवीर, तुम सही समय पर आ गए। हाँ बालवीर, आपने इस अंडे को सुरक्षित बचा लिया और डुबा डुबा एक को कड़ी सजा से। हाँ गया बच में। हाँ गालपरी, और आप सब तो जानती ही है ना कि ये अंडा केवल एक अंडा नहीं है, इस अंडे के अंदर एक जीव पनप रहा है और वो जीव है सोन पक्षी की आने वाली संतान। डुबा डुबा परियो, आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक बालवीर है तब तक किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सही कहा बालपरी। हाँ और इसीलिए एक माँ बालवीर और परियों से मदद लेने आई है।
बालवीर, ये हमारे मित्र लोग वानर लोग की रानी जुरीली है। रानी जुरीली, आप यहाँ कैसे? ये मेरा बेटा जुरीला है, हम प्यार से इसे गोलू कह के बुलाते हैं। आप सबको इसकी रक्षा करनी है। कल सूरज ढलने से पहले गोलू मेरी कैद में होगा, वो भी अपने बाप की तरह इस कैद खाने की धूल चाटेगा। परियों, बालवीर, ये मेरा मासूम बच्चा तो अभी बोलना भी नहीं जानता और वो दरिंदा हतुबा इसकी जान के पीछे पड़ गया है। अब आप सभी इसे बचा सकते हैं, इसकी रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए हतुबा अपनी बुराई कभी नहीं फैला पाएगा। हाँ रानी जुरीली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र गोलू इस परी लोक में पूरी तरह से सुरक्षित है और कल सूरज ढलने तक हम किसी को भी गोलू की परछाई तक भी छूने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। हाँ, और उसके बाद ये वानर लोक का राजा बन जाएगा और सारी प्रजा को इसकी बात माननी ही पड़ेगी, हतुबा को भी। बालवीर, परियों, हमें आप सब पर पूरा भरोसा है, हम इसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, हम कल सूरज ढलने के बाद आएंगे। बेटा गोलू, अपना ख्याल रखना और हाँ, कोई शरारत मत करना। रानी जुरीली, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, हम गोलू का पूरा ध्यान रखेंगे। गोलू, चिंता मत करो, तुम हमारे साथ सुरक्षित रहो। अरे, मेरा इतना अच्छा प्यारा खिलौना टूट गया। हाँ, वहां चिपकू गम से चिपका देता हूँ। रॉकी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी? हाँ हाँ, तो आइए ना बापूजी, ऐसे आप मत जाइए क्योंकि आपके पास चश्मा नहीं है ना। आइए आइए, यहाँ पे बैठिए, बैठिए बैठिए, बापूजी देखिए, नहीं नहीं मेरा मतलब सुनिए, यहाँ पे ब्रेड, जैम, बटर सब रखिए, आप खा लीजिए। हाँ, मैं तब तक ये अपना खिलौना जोड़ देता हूँ। जाम ब्रेड? तो इतनी बढ़िया मिठाई पड़ी है यहाँ पे, ये जाम ब्रेड कौन खाएगा? क्या हुआ बाबूजी? अरे, ये मिठाई है या पत्थर? बाबूजी बाबूजी, ये मिठाई नहीं है, अखरोट है, अखरोट। आपने अखरोट को मिठाई समझ के खा लिया। बाबूजी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ब्रेड है, जैम है, बटर है, आप उसे खाइए, उसे नहीं। हाँ, आपने ब्रेड पे जैम और बटर नहीं लगाया, माँ चिपकू गम लगा दिया है। बदबती, हाँ? देखो है खरा कितने मजे से ये केले। बालवीर, हमें लगता है कि गोलू का परिलोक में रहना
जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए हमें उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित स्थान में ले जाना होगा। लेकिन रानी परी, गोलू के लिए परीलोक से ज्यादा सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है? पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक? हाँ, पृथ्वीलोक। बालवीर, हतुबा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि राजा जुरीला हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इसीलिए वो गोलू को ढूंढने वानर लोक में जाएगा, और जब गोलू से वानर लोक में नहीं मिलेगा तो उसे पूरा विश्वास हो जाएगा कि गोलू हमारे पास परी लोक में है। तो क्या हुआ रानी परी, अगर उस दुष्ट ने यहाँ आने की गलती की तो उसका बुरा हाल होगा? बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम इस वक्त कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। हतुबा हमारे साथ युद्ध में हार भी क्यों ना जाए, लेकिन वो गोलू को हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ बालवीर, रानी परी सही कह रही है, गोलू के लिए पृथ्वी लोक ही सबसे सुरक्षित स्थान होगा। लेकिन परियों, गोलू पृथ्वी लोक पर रहेगा कहाँ? हाँ, हमें पृथ्वी लोक पर ही बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। परियों, आप चिंता मत कीजिए, हमने वो सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया है। कौन सी जगह रानी परी? सात सच्चों का घर। सात सच्चों का घर? हाँ परियों, सात सच्चों का घर। गोलू सात सच्चों के घर में मानव और मेहर के साथ रहेगा। हाँ रानी परी, गोलू के लिए सात सच्चों का परिवार सबसे सुरक्षित स्थान होगा। हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि अगर गोलू सात सच्चों के परिवार के साथ रहेगा तो वो खुश भी रहेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। रानी परी, मैं गोलू को अभी पृथ्वी लोक पर छोड़ कर आती हूँ। हाँ बाली। बापूजी ने ब्रेड पे ये जैम लगाने की जगह ये माया चिपकू गम लगा के खा लिया। क्या हुआ बापूजी, कैसे खा लिया बताइए, बोलिए ना बापूजी कैसे खाया। अच्छा रुको रुको रुको, 10 मिनट के बाद बोलेंगे, चलो। बापूजी का इशारा है कि माया चिपकू गम की वजह से उनका मुंह चिपक गया, इसलिए बोल नहीं पा रहे। महेश कुछ करो, नहीं तो तुम्हारे बापूजी ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्या? मेरा मतलब है कि उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। हाँ। बाबूजी, खून करेगा क्या? इधर आइए, ये देखिए बॉटल पर क्या लिखा है। महाचिपकू गम से अगर कुछ चीज छुड़वानी हो तो उसे गर्म पानी में डालो तो छूट जाती है। बाबूजी, अरे कब से पानी नहीं पिया, अब थोड़ा पानी पी ले। वानरों, जाओ और वानर लोक का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे हर हाल में गोलू चाहिए। जाओ जाकर ढूंढो उसे, ताकि मैं उसे भी यहाँ उसके पिता के साथ कैद करके वानर लोक का राजा बन सकूं। जाओ। मानव, तूने भूतों की सारी कहानियां तो सुन ली,
लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। कौन सी बात? वो जो भूत होता है ना, वो रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अभी क्या है, दिन या रात? रात। हाँ, तो मानव बच के रहना, क्योंकि कभी कभी वो भूत जमीन पर भी आ सकते हैं। बस बस, मैं आज मेरे डरने का कोटा पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ओ मानव, तू भी ना डरपोक है, तेरी डरने का कोटा तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे डराने का कोटा खत्म नहीं हुआ। वो जो भूत होता है ना, कभी भी तेरे ऊपर हाथ रख सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे डरा रहा है, हाथ रख कर देख, मुझे डर नहीं लगता, समझा? गोलू? नहीं बालवीर, ये गोलू नहीं, ये तो गोरिल्ला है। हाँ, लेकिन अभी ये बच्चा है और इसका नाम गोलू। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अरे बच्चों डरो मत, ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है। बच्चों, दरअसल किसी कारणवश ये अपने माता पिता से दूर हो गया है और कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे इसकी सुरक्षा के लिए इसे यहाँ लाना पड़ा। बस कल सूरज ढलने तक की बात है, फिर मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। शुक्रिया बच्चों, लेकिन हाँ, गोलू को घर वालों से छुपा कर रखना, वरना वो इसे यहाँ नहीं रहने देगा। ठीक है बालवीर। अच्छा गोलू, अब मैं चलता, लेकिन यहाँ अच्छे से रहना, कोई भी शरारत मत करना। रानी परी को क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों है? रानी परी क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों है? बालवीर, हम वानर लोक के राजा जुरीला के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित हैं। राजा जुरीला बहुत ही सच्चे और अच्छे राजा हैं। उन्होंने बुराई के विरुद्ध लड़ाई में हर कदम में हमारा साथ दिया, लेकिन आज हर जब वो संकट में है तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रानी परी, हम वानर लोग जाकर वहाँ की प्रजा को तो ये समझा सकते हैं कि वो हतुबा का साथ ना दे, बुराई का साथ ना दे। हाँ रानी परी, अगर वानर लोग की प्रजा हतुबा के खिलाफ हो गई तो वो खुद ब खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। हाँ भटकाती परी, क्योंकि प्रजा ही राजा की असली शक्ति होती है,
बिना प्रजा के राजा का कोई अस्तित्व नहीं होता। परियो, बालवीर, आप सब जो सोच रहे वो सही है, लेकिन वानर लोक के नियम कुछ अलग है। वानर लोक में जो सबसे शक्तिशाली होता है वही वहां का राजा बन सकता है, और इस समय वहां पर हदुबा के अलावा और कोई शक्तिशाली नहीं है। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बालवीर, हदुबा शक्तिशाली होने के साथ साथ आक्रामक स्वभाव के हैं। उसे समझाना, युद्ध को आमंत्रण देना होगा। लेकिन रानी परी, हमें राजा जोरीला का साथ देना ही होगा। उन्हें हमारी जरूरत है। वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। अब हमें भी उनकी मदद करनी ही होगी। वो हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़े। अब सच्चाई और अच्छाई को भी उनके लिए लड़ना होगा। हाँ बालवीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए हम, आप और बाल परी वानर लोक में जाएंगे और हतुबा को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जी रानी परी। अरे अरे गोलू, ये तकिया है, ये खाने की चीज नहीं है, रखो इसे। अरे गोलू, ये फुटबॉल है, ये भी खाने की चीज नहीं है। अरे ये मेरा टेडी बेयर है, ये भी खाने की चीज नहीं है। अरे अरे ये मेरी किताब है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरे मानव कपड़े, मेरे बैग, ये खाने की चीज नहीं है, देखो। अरे मानव, ओ अरे गोलू रुको, मुझे पता है कि तुझे भूख लगी है, लेकिन जो तू खाने की सोच रहा है वो सब खाने की चीजें नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना, तो ठीक है, मैं और मानव तेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज लेके आते हैं, ठीक है? चल मानव। गोलू तुम ये ऐसे नहीं सुनेगा। मानव तू एक काम कर, इसे पकड़ के रख, हाँ वरना पीट दूंगी। अरे मानव डर क्या रहा है, पकड़। ये पकड़ा। अरे बाप रे। अरे मैं गोलू को बोला रुकने के लिए। गोलू बाप रे। गोलू रुक जा, वरना पीट दूंगी। गोलू चल बाहर आ जा। मुझे पता है तुझे भूख लगी है ना, ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं और मानव तेरे लिए खाने की चीज लेके आते हैं, ठीक है? चल। अरे गोलू मैंने कहा ना कि तू यही रुकेगा, मतलब यही रुकेगा, समझा? एक इधर आ, अभी हाथ बांध के खड़ा रहो, हाँ बस, और हाँ यहाँ से हिलना मत, ठीक है? चल माना, चल जल्दी। ये बिना चश्मे के कमरा ढूंढना मतलब पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल काम है। हाँ ये है टीवी का टेबल, मतलब कमरा यही कहीं है। मिल गया कमरा, अब अंदर जाता हूँ और अलमारी से स्वेटर निकालता हूँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या कहा, युवराज गोलू कहीं नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता, चप्पा चप्पा छान मारो जाओ, मुझे गोलू चाहिए, मुझे गोलू चाहिए, मुझे गोलू चाहिए। रानी जोरीली बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा? जहाँ भी है सुरक्षित है, तुम्हारी बुराई उसको छू भी नहीं सकती। तुम्हारे होने वाले राजा का आदेश मानो, नहीं तो मैं तुम्हें भी गुफा में कैद कर दूंगा। तुम जो चाहे कर लो हतुबा, तुम्हारे राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। ओ, 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 ओ,
हतुबा, रानी जोरेली पर हाथ मत उठा, क्योंकि वो अकेली नहीं, हम सब है उसके साथ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को ये बताने आए हैं कि हमारे होते हुए कोई भी बुराई वानर सेना की गद्दी पर नहीं बैठ सकती। अच्छा। हाँ हाँ तुबा, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल बुराई के लिए मत करो। बुराई? सिर्फ बुराई नहीं बालवीर, ताकत, बुराई से भरी हुई ताकत। मेरी इस ताकत ने ही मुझे यहाँ का राजा बनाया है, और जिसमें ताकत है वो मुझे हरा दे। बोलो मुझसे लड़ने वाला कौन है यहाँ? तुम लड़ोगे? देखा, सब जानते हैं कि मैं हूं सबसे शक्तिशाली और इस लोक का राजा। अपनी ताकत का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। अच्छा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। बोलो, करोगे युद्ध मुझसे? बोलो। क्या हुआ, डर गए बालवीर? सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं डरती। मैं तुम्हारे घमंड को चूर चूर करने के लिए जरूर लड़ूंगा, बुराई को हराने के लिए जरूर लड़ूंगा, सच्चाई और अच्छाई को जिताने के लिए जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। और हां हतुबा, कान खोल के सुन, अगर तुम हार गए और मैं जीत गया तो तुम्हें यहाँ की प्रजा का सेवक बन के रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ तुम हारोगे, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। आज मैं हैंडसम लग रहा हूँ। इस उम्र के हिसाब से बॉडी भी सही है मेरी। आईने ने मुझे मारा। आईने ने? कैसे? अरे मारा सचमुच, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पर दादाजी, आप इधर क्यों आए थे? अरे वो अलमारी से स्वेटर निकालने आया था, बहुत ठंड लग रही है। अरे दादाजी नहीं, अलमारी भी आपकी नहीं है ना, कमरा आपका, ये कमरा हमारा है।
अरे बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, मैं अंधा नहीं हो गया हूँ। मुझे क्या इतना भी पता नहीं चलता कि मेरा कमरा कौन सा और तुम्हारा कौन सा है। अभी मैं अलमारी से स्वेटर निकालता। दो दिन अलमारी को इस्तेमाल नहीं किया तो मकड़ी के जाले लग गए। एक मिनट खोलता हूँ, अभी देखो स्वेटर निकलेगा इसमें से। अरे दादाजी ये आपकी अलमारी नहीं है ये। हाँ, अरे दरवाजा इतना टाइट क्यों हो गया, खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? आईने ने मुझे मारा, अलमारी ने धक्का दे दिया। अरे दादाजी इसलिए मैंने कहा था कि ये आपका कमरा नहीं है, ना ही अलमारी आपकी। फिर भी कैसे हो सकता है? लेकिन चलिए दादाजी। अरे लेकिन तुम गोलू को मुझसे बचा नहीं पाओगे। मैं गोलू को यहाँ कैद करूंगा और यहाँ का राजा बनूंगा। बालवीर,
गोलू हमसे डर क्यों रहा है? पता नहीं। अच्छा देख गोलू, हम ना मानव महर ही है और बस हमने कपड़े बदले हुए हैं। चल बाहर आ जा। अरे पर अच्छा एक मिनट, ये रहे। ये देख मानव के कपड़े हुँ? और ये मेरे कपड़े, हम लोग मानव महरी है। पहचाना? घबरा मत और यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ चलो। बाल बना रही हूँ। Oh,
कैसे बालवीर तुम्हारे राजा हतुबा के सामने पड़ा हुआ है और तुम में से जो भी मुझे राजा नहीं मानेगा उसका भी यही हाल होगा। तो कोई है जो हतुबा से टकराना चाहता है? बालवीर, बालवीर उठिए और हतुबा को हरा दीजिए। कोई है? शाबाश बालवीर, शाबाश। बालवीर, मुझे हतुबा को बल से नहीं अकल से हराना होगा, मुझे इसे थकाना होगा। तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। का कच्चा है कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के सामने वो छोटा ही रहता है। प्लीज, हमें पता है
कि तुम अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे हो। हाँ, बच्चे ज्यादा देर तक अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, बालवीर है ना, वो जरूर जल्दी से जल्दी तुझे अपने मम्मी पापा के पास लेके जाएगा। हाँ, क्योंकि वो बीबीबी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर और बच्चों को खुशियाँ देने वाला बालवीर। हाँ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ बोलो, अभी रो मत, ठीक है? चल गोलू, अभी हंस दे। ये ऐसे नहीं हंसेगा, हम हंसेंगे तो ये इसकी नकल करेगा और हंसेगा। हाँ गोलू। राजा जोरीला, रानी जोरीली, ये देखिए आपका बेटा गोलू पृथ्वी लोक पर बच्चों के साथ बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे गोलू को दुष्ट हतुबा से बचाने के लिए और मानव महर जैसे प्यारे दोस्त देने के लिए। अब जैसे ही हतुबा का पता चल जाएगा मैं इसे ऊपर लेकर आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि उस दुष्ट हतुबा का कोई भरोसा नहीं। हतुबा एक ऐसे चोट खाए सांप की तरह है जो कभी भी अपना फन फैला सकता है। हाँ, बस हमें एक बार यकीन हो जाए कि वो हतुबा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, तो मैं आपके बेटे गोलू को खुद पृथ्वी लोक से लेकर आपके पास लेकर आऊंगा। भयंकर परी, तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम मेरी मदद क्यों करोगी? अच्छा इनाम दिया तुमने मुझे बुराई फैलाने का भयंकर परी। अरे वानर लोक के सच्चे राजा का साथ देने पूरा परी लोक आ गया और तुम मुझ जैसी बुराई का साथ देना नहीं चाहती। बुरे दिन आ गए, बुराई के बुरे दिन आ गए। अब बुराई को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्या है? हो गई तुम्हारी नौटंकी खत्म? अब बताओ ये कि वो क्या चाहते तुम आखिर? बालवीर को हराना चाहता हूँ मैं, बालवीर को हराना। अच्छा, ए हराना चाहता ये भी बालवीर को, पर कैसे? एक छोटी सी चाल चल के देखो, जिस तरह से बालवीर और परियां वानरलोक के राजा की सहायता कर रही हैं, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि गोलू परीलोक में ही है। मैं परीलोक जाके गोलू का अपहरण करना चाहता हूँ ताकि मैं गोलू के पिता से गोलू की रिहाई के बदले वानरलोक का राजपाट मांग सकूँ, और अगर ऐसा हुआ तो ये बालवीर की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी हार। बस, 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 बस। महाशय, जाकर परीलोक करना किसी का अपहरण है नहीं, बच्चों का खेल। उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ भयंकर परी, मुझ में ताकत तो बहुत है पर बिना जादू के वो ताकत अधूरी है। अगर मेरी ताकत में तुम्हारी दी हुई जादुई शक्तियाँ मिल जाए तो मैं परीलोक का विनाश कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। अरे रे, फिर तो हो आए तुम गलत जगह लेने किसी की मदद। कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये परी भयंकर, अरे है आ रही है परी भयंकर खुद बालवीर और परियों से बार बार। अरे क्या खाक करेगी ये मदद तुम्हारी? चुप। बुराई को जिताने के लिए और सच्चाई को हराने के लिए भयंकर हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया। Oh!
जादूबा महागुरीला और आ गई इसके पास तो जादुई शक्तियां भी। भयंकर खुश हो